opportune moment come to us when there will be shivering of the body as soon as we chant the Lord Gauranga's name while chanting Hare Krishna? When will there be tears in the eyes? When will I obtain the mercy of Lord Nityananda Chandra? When by his mercy will the desire for material enjoyment become very insignificant? When the mind is completely purified, being freed from material anxieties and desires, then I shall be able to understand Vrindavana and the conjugal love of Radha and Krishna, and then my spiritual life will be successful. When shall I be very much eager to study the books left by the six Goswamis, headed by Srila Rupa Goswami and Srila Raghunath Das Goswami? By their instruction, I shall be able to properly understand the loving affairs of Radha and Krishna. My only aspiration is to attain the lotus feet of the six Goswamis, headed by Srila Rupa Goswami and Srila Raghunath Das Goswami. Narottam Das constantly prays to attain their lotus feet. Hare Krishna. Hare Krishna, thank you so much, Neha. Hare Krishna. आज के वक्ता के परिचय के लिए मैं हमारे होस्ट मिस ग्रेस रत्नभूषण प्रभु जी को हैंडओवर करती हूँ। ओवर टू यू प्रभु। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज आ रहे हैं माता जी? हाँ जी प्रभु। ओके, तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज का प्रातःकालीन नित्यम भागवत सेवा में। और हमारा सौभाग्य है आज हमको भागवत की कथा रुचि और सब कुछ देने के लिए हिस ग्रेस नक्षत्र नेमी प्रभु हैं। मैं मेरे शुद्धिकरण के लिए प्रभु का दो शब्द परिचय करवाता हूँ। हिस ग्रेस नक्षत्र नेमी प्रभु भक्ति विकास हिस होलीनेस भक्ति विकास स्वामी महाराज के प्रिय शिष्य हैं। उन्होंने इस्कॉन संस्था में जुड़े हैं 2010 में और उनका हरिनाम दीक्षा 2018 में संपन्न हुई है। और प्रभु का बहुत सारे सेवाएं हैं। प्रभु इतना बहुत अच्छे तरह बिजनेस करते हैं और बिजनेसमैन के होने के नाते भी इतना सुंदर तरीके से अपने परिवार के साथ शुद्ध भक्ति करते हैं, भगवान और श्रीला प्रभुपाद जी का मिशन को आगे बढ़ाते हैं। और प्रभु का जो भाव है प्रीचिंग एसेंस, जो हमारा संस्था का एसेंस है, प्रीचिंग में बहुत रुचि है प्रभु जी का। और प्रभु जी supporting in various functions and festivals in DDY. Our Prabhuji, one of the sponsor for winner of NBS Kahoot quiz, or Saptahi quiz, usme Prabhuji sponsor bhi karte the. Our Prabhu ka mission hai, ya bhav hai, to be a part of farm community and serve Guru Maharaj and Srila Prabhupada's mission. Our Prabhu ka dharma patni, ardhangini hai, her grace, Sarvashweta Matavi, Mataji. Mataji, His Holiness जयपताक स्वामी महाराज के शिष्य हैं और उनके दो बेटियां हैं, भक्तिन रंचिनी और भक्तिन भाविका। और उनका जो सुपुत्र हैं भक्त माधव। भक्त माधव बहुत सुंदर तरीके से गायन भी करते हैं, कीर्तन भी करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु, पुनः आपका स्वागत है। आप कृपया आगे आइए और हमको भगवान के जो कथा का आस्वादन करवाइए। हरे कृष्णा, ओवर टू यू प्रभु। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। और आज की नित्यम भागवत सेवा में सबका स्वागत है। सबसे पहले थोड़ा कीर्तन करेंगे, जय राधा माधव। वो मैंने माधव को विनती करी है कि मेरे साथ थोड़ा सा कीर्तन करेंगे, तो अगर आप सबकी आज्ञा हो तो 5 मिनट हम कीर्तन करेंगे, उसके बाद भागवत कथा का आनंद लेंगे। यस प्रभु, यस श्योर। हरे कृष्ण। Acha kalpataru vyascha kripa sindhu vyevacha Padita Pavane vyo Vaishnave vyo namo namo
हरे कृष्णा, जस्ट गिव मी वन मिनट. यस प्रभु. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम राम. सो नित्यम भागवत सेविया में पुनः सबका स्वागत है. तो आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 49th चैप्टर के श्लोका नंबर 27 से 31 तक. तो इस अध्याय का जो शीर्षक है जो वो प्रभुपाद ने अपनी कृष्णा बुक में इस अध्याय का शीर्षक दिया है दुर्बुद्धि धृतराष्ट्र, यानी कि उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है इल मोटिवेटेड धृतराष्ट्र. जबकि भागवतम में जो प्रभुपाद के शिष्यों के द्वारा इसका ट्रांसलेशन और पर्पट दिया है उसमें इसका शीर्षक दिया है अक्रूर जी का हस्तिनापुर जाना, और अक्रूर विच इज अक्रूर मिशन इन हस्तिनापुर. तो इससे पहले हम क्लास शुरू करते हैं थोड़ा मंगलाचरण बोल देते हैं. नारायण नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं तदो जयमुदीरये शुण्वतां स्वकथा कृष्णा पुण्यश्रवणकीर्तनः हृदयन्तस्तोह भद्राणि विधूनोति सुहृत्सुतां नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय. तो आज हम श्लोक संख्या जो पढ़ रहे हैं वो 27 से 31 का पठन करेंगे. तो इससे पिछले अध्याय में जो हमने देखा कि चर्चा हुई है कि भगवान कैसे कुब्जा के पास गए और उसके बाद वो गए अक्रूर जी से मिलने, और अक्रूर जी से क्यों मिलने गए क्योंकि उन्होंने अक्रूर जी से प्रार्थना करी कि आप जाएं हस्तिनापुर जाएं और वहां पर जाकर पता करें कि मेरे प्रिय पांडव कैसे हैं, और कि मुझे उनकी बहुत ज्यादा चिंता हो रही है और आप जाके थोड़ा पता लगाएं कि जो धृतराष्ट्र और दुर्योधन है वो उनके साथ और कुंती महारानी के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं. तो इस अध्याय में अक्रूर जी हस्तिनापुर जाते हैं पांडवों का हालचाल पूछने और ये भी देखने कि वहां पर क्या चल रहा है. तो जैसे एक स्पाई तो नहीं कहना चाहिए लेकिन जैसे एक देखने के लिए भेजते हैं कि दूसरी जगह या कॉम्पिटिटर्स के वहां पे क्या चल रहा है, तो वैसे ही भगवान ने अक्रूर जी को जाके भेजा कि अगर किसी स्थिति में युद्ध हो या कुछ हो तो थोड़ी सी हमको जानकारी हो कि उस साइड में क्या चल रहा है. तो पहले जो 6 श्लोक हैं उसमें ये वर्णन है कि अक्रूर जी कैसे वहां पर जाते हैं और सबसे मिलते हैं. वो भीष्म पितामह जी से मिलते हैं, द्रोणाचार्य जी से मिलते हैं और कृपाचार्य जी से मिलते हैं, अश्वत्थामा से मिलते हैं और दुर्योधन से भी मिलते हैं. और 7 से 15 श्लोकों में हमने देखा अभी पिछले दिनों में कि कैसे कुंती महारानी, क्योंकि कुंती महारानी को लगा कि जैसे मेरा कोई अपना यहाँ पर आया है, अक्रूर जी आए हैं, तो उन्होंने अपने दिल की बात और अपनी जो करुणामय और अपनी जो दुखमयी प्रार्थनाएं जो थी वो अक्रूर जी से के सामने अर्पण करी. और वो क्या उन्होंने क्या बताया कि कैसे मेरे पुत्रों के साथ अन्याय हो रहा है
और फिर विदुर जी ने और अक्रूर जी ने दोनों ने मिलकर उनको समझाया और उनको आश्वासन दिया कि आप चिंता नहीं करें, जो अंत में सब भगवान सब ठीक करेंगे। उसके बाद 16 से 25 का जो श्लोक है उसमें अक्रूर जी कहाँ जाते हैं, धृतराष्ट्र के पास जाते हैं और उनको समझाते हैं कि आपने किसी तरीके से पिछले श्लोका में बताया कि आपने कितने छल कपट से आपने एक तरह से जो राज्य है उसको हड़प लिया है, लेकिन फिर भी आप जो राज्य कर रहे हैं वो ठीक तरीके से करें। तो इस तरीके का वर्णन ये 16 से 25 श्लोका में है और 26 श्लोका जो आज से हम देख रहे हैं 26, 27, 28 इसमें कि धृतराष्ट्र ने क्या उसका रिप्लाई उसका उत्तर दिया भगवान को और क्या बताया कि मेरे मैं क्यों कर रहा हूँ और मेरी मन की जो स्थिति है वो कैसी है वो भगवान को बताया और अक्रूर जी को बताया। और उसके बाद अक्रूर जी वापस लौट गए और जाकर अपना जो वहाँ का हस्तिनापुर का जो हाल है वो कृष्ण को और बलराम को बताया। तो एक छोटा सा अध्याय है, केवल 31 श्लोक हैं और 3-4 भागों में इसको जो 3-4 तरह के वार्तालाप हैं, लेकिन चैप्टर छोटा है लेकिन इसमें हमें सीखें बहुत बहुत ही ज़्यादा शिक्षा हम इससे ले सकते हैं। और हमने देखा लास्ट 3-4 दिनों में हमने काफ़ी शिक्षाओं पर का अध्ययन किया इस अध्याय के माध्यम से। तो अक्रूर जी कहाँ आए, वो आए हस्तिनापुर में। तो जैसे अभी हमने पहले भी देखा कि हस्तिनापुर का नाम हस्तिनापुर क्यों पड़ा, क्योंकि वो एक बहुत सारे हाथियों की इट्स कॉल्ड द सिटी ऑफ एलिफेंट्स, मतलब बहुत सारे हाथी वहां पर थे। तो ऐसा कभी सोचें कि हाथी अगर बहुत सारे हों तो उसका नाम हस्तिनापुर क्यों रखा, तो उसका जो मेन तात्पर्य है वो है कि बहुत ही मतलब फुल ऑफ रिचेस, बहुत ही ऐश्वर्यशाली जो नगरी थी। क्योंकि जैसे हम एक मुहावरे में भी कहते हैं कि हाथी पालना कोई उस टाइम आसान काम नहीं होता था, क्योंकि हाथी को इतनी खुराक देना और उसके लिए सारी उसकी तैयारी मतलब उसको रखना इटसेल्फ बहुत ही ज़्यादा, जो बहुत अमीर लोग जो बहुत ही ज़्यादा ऐश्वर्यशाली लोग थे वही सिर्फ हाथी को पाल सकते थे। तो वहाँ पे बहुत सारे हाथी रथ और घोड़े और बहुत ही ज़्यादा ऐश्वर्य था, तो और बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली जो नगरी थी हस्तिनापुर। ऐसा कहा जाता है कि हस्तिनापुर जो थी वो पूरे जो पृथ्वी की जो कैपिटल जो मेन जहाँ से मतलब बाकी जगह तो सब राजा होते थे जैसे कंधार हो गया जैसे बाकी, लेकिन जो हस्तिनापुर का जो राजा होता था उसको सम्राट कहा जाता था, यानी कि बाकी जो राजा थे वो सब उनके अंडर होते थे। तो इसलिए हस्तिनापुर की बहुत ही ज़्यादा महत्वता बहुत ज़्यादा थी, तो उसको सिटी ऑफ एलिफेंट्स मतलब बहुत ही ज़्यादा ग्लोरीफाई करके उसको कहा जाएगा। आज की डेट में अगर आप विकिपीडिया में जाके देखें तो हस्तिनापुर जो है वो दिल्ली के पास एक शहर है मेरठ करके, तो मेरठ को हस्तिनापुर मतलब जियोग्राफिकली वहाँ पे लोकेटेड थी, वो अराउंड 80-100 किलोमीटर दिल्ली से दूर है। तो दिल्ली को कहा गया है इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर वो मेरठ के आसपास का एरिया जो है वो हस्तिनापुर कहा गया है। तो वहाँ पर जाकर अक्रूर जी ने धृतराष्ट्र को एक्चुअली अक्रूर जी वहाँ पे काफ़ी टाइम के लिए रहे, 3-4 महीने वहाँ पे जाके रहे और उनको सबसे मिले सबको समझाया, क्योंकि वो भगवान का एक कार्य करने गए थे कि सबका हाल पूछो और जाके धृतराष्ट्र को एक तरीके से समझाओ भी। तो जब वो धृतराष्ट्र के पास गए तो धृतराष्ट्र को उन्होंने काफ़ी समझाया, बोला कि तुम एक राजा हो
और तुम्हें कुछ नीति का पालन करना चाहिए, नियमों का पालन करना चाहिए। बहुत सारी चीजें अक्रूर जी ने कही कि तुम्हें धर्म के अकॉर्डिंग राज्य करना चाहिए। और राजा को जो क्या चाहिए, राजा का जो है चरित्र भी बहुत अच्छा होना चाहिए और तभी तुमको सफलता मिलेगी। अगर ये तुम इसके अकॉर्डिंगली राज्य नहीं करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगी, सिर्फ निंदा ही मिलेगी। तो ये अक्रूर जी धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं। और तुम क्यों इतने आसक्त हो अपने अपने राज्य से और अपने पैसे से और अपनी पावर से और अपने पुत्र, जो दुष्ट जो पुत्र हैं तुम्हारे, उनसे क्यों इतने आसक्त हो? तुम्हें क्या लगता है कि हमेशा ही तुम इस राज्य ऐसे ही राजा बने रहोगे और ये राज्य और ये पैसा तुम्हारे पास रहेगा? नहीं, ये सब जो है ये सब शाश्वत नहीं है, परमानेंट नहीं है। और एक दिन ऐसा होने वाला है कि जो जिस चीजों में तुम आसक्ति जो दिखा रहे हो वो सब तुमसे छूट जाएगा। तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम्हें भी ये सब चीजें छोड़नी पड़ेंगी और तुम्हें भी कष्ट मिलेगा। और ये भी समझाते हैं कि जो जन्म होता है, जो मृत्यु होती है, ये सब भी भगवान की वजह से, मतलब भगवान ही करते हैं। और तुम्हारे कर्मों की तरह ही, जो जैसे तुम्हारे कर्म होंगे वैसे ही तुमको जन्म और वैसे ही तुमको मृत्यु मिलेगी। और ये भी बताते हैं कि जो ये सब तुमको करना है ये तुमको अकेले ही भोगना पड़ेगा। इसमें तुम्हारे कोई जो तुमको सगे संबंधी या तुम इतनी ज्यादा अटैचमेंट, जो इतनी ज्यादा आसक्ति जो है तुमको अपने पुत्रों के साथ और अपनी संपत्ति के साथ, ये सब तुमको काम नहीं आएगी। तो दुर्योधन का एक नाम प्रभुपाद बताते थे, उनका एक नाम सुयोधन भी था, लेकिन क्योंकि वो इतने बुरे काम करते थे तो वो बुरे काम करते थे इसलिए उनका नाम दुर्योधन ज्यादा, बिल्कुल सब उसको दुर्योधन ही बुलाते थे। तो एक नाम में भी कितनी महत्वता होती है, स्पेशली जब हम लोग जब हरिनाम दीक्षा लेते हैं और हम गुरु महाराज जब हमको नाम देते हैं तो उस नाम को भी हमको बहुत सीरियसली लेना चाहिए और उसको सार्थक बनाने की पूरी चेष्टा करनी चाहिए। और उस नाम में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वर्ड क्या है, जो वो है जो नाम के बाद दास या दासी जो लगता है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमको भी ऐसे काम करने चाहिए कि हमारा जो गुरु का नाम और हमारे जो संस्था का नाम है वो सार्थक, और हमारा जो नाम है वो भी सार्थक हो। ऐसा ना हो कि हमको भी लोग दुर्योधन बुलाएं और सुयोधन नहीं बुलाएं, जो उसका रियर जो एक नाम था। तो ये नाम की भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस बताई गई है। तो अक्रूर जी बहुत दुर्योधन को, सॉरी धृतराष्ट्र को बहुत ज्यादा समझा रहे हैं कि तुम ऐसे कार्य मत करो कि तुम्हें भी बाद में जाकर बहुत ज्यादा कष्ट भोगना पड़े। और अंत में वो कहते हैं कि जगत को कैसे देखो, और जगत को एक स्वप्न की तरह देखो। जैसे रात को हम स्वप्न देखते हैं तो उस स्वप्न से हमें सुबह उठकर कोई आसक्ति नहीं होती है। जब स्वप्न में मेरे को बहुत ज्यादा कुछ धन मिल गया, बहुत ज्यादा ऐश्वर्य मिल गया, लेकिन सुबह उठ के जब रियलिटी में देखते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। या स्वप्न में मेरी किसी ने, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरी किसी ने हत्या करने की कोशिश करी, तो ये नहीं कि सुबह उठकर मुझको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा या मेरे को आईसीयू में भर्ती कर दिया, क्योंकि ये स्वप्न है। तो अक्रूर जी क्या बोलते हैं कि इसको भी तुम स्वप्न की तरह देखो, बहुत ज्यादा इससे आसक्त नहीं हो। और ये भी कहते हैं कि कैसे देखो, जैसे कि एक जादूगर जो एक जादू बना देता है। जैसे अभी पिछले दिनों हमारे दामोदर देश में भी मनोहर श्याम प्रभु आए थे और उन्होंने हमको ये रीजेंट स्कूल में थोड़ा जादू करके दिखाया था, जिसमें कि वो दिखा रहे थे कि कैसे ब्लेड से हाथ कटना चाहिए लेकिन नहीं कटा, तो ये मोह बना देते हैं। तो वो अक्रूर जी उनको ये भी बोलते हैं कि इस जगत को एक जैसे जादूगर एक मोह
बनाता है वैसे ही देखो, और इसको इतना ज्यादा अगेन इसके इससे इतना ज्यादा आसक्त नहीं हो, और जो पांडु पुत्र हैं उनके साथ अपने पुत्रों के मोह में आकर उनसे गलत नहीं करो, क्योंकि तुमको इस गलती और ये जो तुम कर रहे हो इसके कर्मों का तुमको कष्ट जो है बाद में भोगना पड़ेगा। तो ये सब अभी तक हुआ है, और अभी क्या हुआ है, अभी धृतराष्ट्र वापस अपना उसको उनको रिप्लाई दे रहे हैं। तो जो कल का जो श्लोक था 26 श्लोक, उसमें धृतराष्ट्र क्या बोलते हैं कि अक्रूर जी जो आपके जो शब्द हैं जो आप जो आपने मुझको पूरे प्रवचन दिए हैं वो मेरे लिए अमृत के समान हैं। तो वो भी रियलाइज करते हैं कि जो ये बता रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है। तो वो बोलते हैं कि मैं आपके जो वचन है वो सुनकर मैं कभी भी तृप्त नहीं हो सकता, इतने अच्छे आपके वचन जो आपने बोले हैं, लेकिन और ये अमृत की समान जो मेरे पास जो आपने जो सारे वचन बोले हैं, लेकिन मैं इनका पालन नहीं कर सकता। ये आजकल के श्लोकों आज जो श्लोक हैं, तो एक बार एक ये श्लोकों का भी अध्ययन कर लेते हैं, और उसमें प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा जो उनका शब्दार्थ और उसकी जो ट्रांसलेशन है वो भी एक बार पढ़ लेते हैं। तो 27वां श्लोक जो है, तथापि सुंदरता सौम्य हृदि न स्थित्यते चले पुत्रा पुत्र अनुराग विषमे विद्युत सोदामिनी यथा। विल रीड द ट्रांसलेशन। फिर भी हे भद्र अक्रूर, क्योंकि मेरा अस्थिर हृदय अपने पुत्रों के स्नेह से पक्षपात युक्त है, इसलिए आपके ये मोहक शब्द हृदय में स्थिर नहीं टिक पाते, जिस तरह बिजली बादल में स्थिर नहीं रह सकती। विल स्किप द ट्रांस द शब्दार्थ बिकॉज 7:50 वी हैव टू क्लोज द क्लास। नेक्स्ट श्लोक दूसरा जो 28वां श्लोक है, ईश्वरस्य विधिं को नु विधूनोत्यन्यथा पुमान भूमेर भार्वताराय यो अवितीर्णो यदुकुले। शब्दार्थ, भला उन भगवान के आदेशों का उल्लंघन कौन कर सकता है जो पृथ्वी का भार कम करने के लिए अब यदुवंश में अवतार ले चुके हैं। तात्पर्य, स्वाभाविक है कि हम धृतराष्ट्र से पूछें, यदि तुम यह सब जानते हो तो ठीक से आचरण क्यों नहीं करते। वस्तुतः धृतराष्ट्र को भी यही स्थिति है, धृतराष्ट्र की भी यही स्थिति है। वह अनुभव करता है कि क्योंकि घटनाएं पहले से गतिशील हो चुकी हैं, वह उन्हें बदलने में असक्षम है। असल में उसके अनुराग तथा उसकी पाप पूर्ण लालसाओं से घटनाएं गतिशील थीं। अतएव उसे अपने कर्मों का उत्तरदायित्व लेना चाहिए था। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता 5:15 में स्पष्ट कहा है, नदते कस्यचित् पापम। भगवान किसी के पाप पूर्ण कृत्यों का जिम्मा नहीं लेते। यह दावा करना एक घातिक नीति है कि हम विधाता अथवा भाग्य के कारण अनुचित कर्म कर रहे हैं। हमें चाहिए कि गंभीरता पूर्वक कृष्ण भाव अमृत को ग्रहण करें और अपने तथा अपने संगियों के लिए मंगलमय भविष्य का निर्माण करें। अंत में कोई यह तर्क कर सकता है कि जो भी हो, धृतराष्ट्र तो भगवान की लीलाओं में सम्मिलित हैं और वास्तव में उनका नित्य संगी है। इसके उत्तर में हम इतना ही कह सकते हैं कि भगवान की लीलाएं न केवल मनोरंजन कराने वाली होती हैं, अपितु उपदेशात्मक भी हैं। और यहाँ यही शिक्षा मिलती है कि धृतराष्ट्र को उचित कर्म करना चाहिए।
भगवान यही शिक्षा देने चाहते हैं। धृतराष्ट्र कहता है कि कृष्ण पृथ्वी का भार उतारने के लिए आए हैं, किंतु पृथ्वी का भार असल में इसके निवासियों का अनुचित आचरण ही है। अतः भगवान यहाँ जो शिक्षा देना चाहते हैं उसे हम अपने हित के लिए ग्रहण करें। 29 यो दुर्विमर्श पथया निज माययेदं श्रिष्ट्वा गुणा विभजन्ते तदुनु प्रविष्ट तस्मे नमो दुर्वबोध वही रान तंत्र संसार चक्र गतये परमेश्वराय। शब्दार्थ श्री प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा। जय श्री प्रभुपाद। मैं उस भगवान को नमस्कार करता हूँ जो आप अपनी भौतिक शक्ति की अचिंत्य क्रियाशीलता से इस ब्रह्मांड का सर्जन करते हैं और फिर सृष्टि के भीतर प्रविष्ट होकर प्रकृति के विभिन्न गुणों को वितरित कर देते हैं, जिनकी लीलाओं का अर्थ अगाध है। उन्हीं से यह जन्म मृत्यु का बंधकारी चक्र तथा उससे मोक्ष पाने की विधि उत्पन्न हुई है। तात्पर्य, इतना सब कुछ कहने के पर भी धृतराष्ट्र सामान्य व्यक्ति ना होकर भगवान कृष्ण का संगी था। निश्चय ही भगवान के प्रति ऐसी विधातापूर्ण स्तुति कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता था। 30 इत्याभिप्रते नृपतेर अभिप्रयाम यादव यादवः शूद्र भी सौम्युगता पुनर्यदु परिंगत्या। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह राजा के अभिप्राय को समझकर यदुवंशी अक्रूर ने अपने शुभ चिंतक संबंधियों तथा मित्रों की अनुमति ली और यादवों की राजधानी लौट आए। शंश राम कृष्णाभयम धृतराष्ट्र विचेतम पांडवान प्रति कौरव्य यथर्थित स्वयं। अक्रूर ने बलराम तथा कृष्ण को यह सूचित किया कि धृतराष्ट्र का पांडवों के प्रति कैसा वर्ताव है। इस तरह है कुरुवंशी। उन्होंने यह अभिप्राय की पूर्ति कर दी जिसके लिए वे भेजे गए थे। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत अक्रूर का हस्तिनापुर जाना नामक 49वें अध्याय के शिला भक्ति विनोद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित भक्ति वेदांत तात्पर्यपूर्ण हुए। हरे कृष्ण। तो जो 27वां श्लोका है उसमें हम क्या देखते हैं कि धृतराष्ट्र क्या बोल रहे हैं कि ये जो आपने जो सब कुछ बोला है ये मेरे मैं सब जानता हूं कि ये सब ठीक है और ये मेरे कर्णों में क्या है अमृत के समान है, लेकिन मैं इनका पालन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो पांडव गीता में एक श्लोक आता है जिसमें दुर्योधन क्या बोलता है, जानती धर्माम करके ऐसे एक श्लोक आता है, उसमें क्या बोलता है कि मैं जानता हूं कि धर्म क्या है लेकिन उसका पालन नहीं कर सकता, और मैं ये भी जानता हूं कि अधर्म क्या है और मैं उसको छोड़ भी नहीं सकता। तो मैं जानता हूं कि धर्म क्या है, उसका पालन नहीं कर सकता, और मैं जानता हूं कि अधर्म क्या है लेकिन मैं उसको छोड़ भी नहीं सकता। तो धृतराष्ट्र की भी यही स्थिति थी, वो जानते थे अच्छी तरीके से कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, लेकिन उनकी अपने पुत्रों के प्रति इतनी ज्यादा आसक्ति थी कि वो धर्म को नहीं अपना सकते थे और उन्होंने अधर्म को ही
अपनाया। और धृतराष्ट्र इधर क्या बोलते हैं कि आपके जो शब्द हैं वो मुझको समझ तो आते हैं और मेरे को रजिस्टर भी होते हैं, लेकिन उनका थोड़ा प्रभाव भी पड़ता है, लेकिन वो ऐसे हैं जैसे कि बादल में बिजली चमकती है। तो बादल में बिजली चमकती है, थोड़ी सी लाइट होती है और उसके बाद वो चली जाती है। तो मेरे भी दिमाग में आपके जो वचन है वो ऐसे ही आते हैं कि बिजली की तरह आते हैं लेकिन चले आते हैं। तो कई बार हम भी जैसे भक्त होते हैं तो कोई चीज हमको हम क्लास में सुनते हैं और हम बहुत निर्णय लेते हैं कि अभी बिल्कुल सरेंडर करना है और ये बिल्कुल इसको अपनाना है, लेकिन जब हम क्लास के बाहर जाते हैं और फिर अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं, ऑफिस की प्रॉब्लम में, घर की प्रॉब्लम में, तो वो जो दिमाग में जो हमारा रिजोल्यूशन है वो चला जाता है, क्योंकि वो जैसे बादलों में बिजली आती है वो आता है और उसके बाद बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। तो धृतराष्ट्र भी मतलब वो ऑनेस्टली बता रहे हैं कि आपकी जो बातें हैं मुझे समझ आती हैं लेकिन मैं इनका पालन नहीं कर सकता है। और ये भी बोलते हैं कि मेरे को मालूम है कि ये सब कृष्ण ही करवा रहे हैं, और ये जब जो मेरा मृत्यु और ये जन्म है ये सब कृष्ण है, और कृष्ण कहाँ जन्म ले चुके हैं, वो यदुकुल में ऑलरेडी जन्म ले चुके हैं, तो उनको ये भी कभी ज्ञात है। और यहाँ पर वो क्या इसमें जो 27वें श्लोकों में उनका मेन प्रॉब्लम क्या है कि जो उनको अटैचमेंट जो है, तो भगवत गीता में भी श्लोक आता है कि भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, जो भगवत गीता 2.44 तया प्रथा चेतसाम व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधु न विद्यते। तो उसमें कहा गया कि जो लोग इंद्रिय भोग या जो भौतिक ऐश्वर्य के प्रति बहुत ही अत्याधिक आसक्त हैं, उनके भगवान के प्रति जो दृढ़ निश्चय है वो नहीं हो सकता। तो धृतराष्ट्र जो है वो एक लाइव एग्जाम्पल है इस फिलॉसफी के, क्योंकि धृतराष्ट्र जो है वो व्यास देव के पुत्र हैं, और व्यास देव जो हैं वो एक शक्त्या अवतार हैं भगवान विष्णु के, तो वो मतलब डायरेक्ट एक तरह से प्रोजेनी है विष्णु भगवान के। तो उनके पास क्या नहीं था, मतलब सब कुछ था, मतलब ही वॉज उनके जो गुरु थे उनको जो सारी शिक्षा दी वो खुद भीष्म पितामह जो एक महाजन है उन्होंने दी, और उनके पास राज्य था और सब कुछ उनके पास, उनको कृष्ण भगवान की संगति मतलब मिली, लेकिन फिर भी क्योंकि उनके पास अपनी जो भौतिक चीजों की जो अटैचमेंट थी प्लस जो उनकी जो संगति थी जो वो दुष्ट लोगों की थी, तो ये जो प्रभुपाद इसको बोलते हैं स्किन डिसीज, यू नो कि जो हमारी अपनी फैमिली के से जो आसक्ति होती है, और या जो जो कि भगवान को प्रसन्न करने की जो एक्टिविटीज हैं उसको छोड़कर, मतलब अपने को प्रसन्न करने की जो लालसाओं के लिए जो जो अटैचमेंट होती है वो हमारी जो भक्ति को और हमारी जो बुद्धि को है बिल्कुल नष्ट कर देती है। तो इसलिए हमें जो जो इतनी भौतिकवादी जो अटैचमेंट्स जो हैं जो उसको बहुत ज़्यादा कम करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने भी हमें यही बताया कि ज़्यादा भौतिक लोगों से जो ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखनी है। तो ये 27 श्लोकों में बहुत ज़्यादा समझाया गया है। और अगर हम नेक्स्ट श्लोक जो 28 श्लोक में जाएं तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो जो लेसन है हमारे लिए हैं। तो उसमें सबसे पहले धृतराष्ट्र क्या बोल रहे हैं कि उनको मालूम है कि वे अपराधी हैं और उनका अंत आने वाला है। वो श्लोक में ये भी बताते हैं कि भगवान के आदेशों का जो उल्लंघन करता है वो हमेशा उसका नाश होता है, और भगवान जो क्यों आते हैं इस धरती पर, जो
दुष्ट आत्माएं जो भगवान जो पृथ्वी का बोझ निकालने, और वो बोझ कौन है वो उनको ये भी मालूम है कि वो ही बोझ है, और जो उनकी जो पुत्रों की जो कार्य हैं वही इस पृथ्वी का बोझ है, और भगवान के द्वारा उनका भी अंत निश्चित है, लेकिन फिर भी वे अपनी आसक्ति को नहीं छोड़ सकते। तो हमारे भक्तों के साथ भी जैसे बताया कि ये सब हो सकता है कि हम भी बहुत ज्यादा लेक्चर सुनते हैं और नॉलेज भी होती है, लेकिन हम भी अपनी जो आसक्ति है और जो हमारे पाप पुण्य जो कई बार हम कार्य करते हैं वो भी नहीं छोड़ पाते। वो हम बोलते हैं कि जैसे फोर्स्ड बाय मटेरियल नेचर, जो मोड ऑफ गुडनेस पैशन, जो थ्री मोड्स जो होते हैं उसके अंतर्गत हम उसको नहीं छोड़ पाते। और ये भी इसमें है कि जैसे वो बताते हैं कि मेन पॉइंट क्या आता है कि धृतराष्ट्र एक तरह से कह रहे हैं कि ये सब भगवान ने ही किया है और ये यही मेरी डेस्टिनी है। तो ये जो आर्ग्यूमेंट है डेस्टिनी का और फ्री विल का, ये भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है। तो इसमें ऐसा प्रश्न आ सकते हैं कि जो सब कुछ धृतराष्ट्र बोलते हैं सब कुछ जो है निश्चित है और ये भगवान ही करवा रहे हैं, तो ये सत्य है कि कुछ जो हमारे पिछले जो जन्म के कर्म होते हैं उसके कारण हमारी जो डेस्टिनी जो बनती है, जो हमारा भाग्य, वो उसके अकॉर्डिंगली बनता है। लेकिन हमको इसमें एक चीज बहुत अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि सब कुछ जो है वो निश्चित नहीं है। जैसे एक उदाहरण हम दे सकते हैं कि हमें कभी 10 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए हमको मिल गए, तो ये हमको एक अपनी डेस्टिनी या अपने पिछले जन्मों के जो हमने अच्छे कर्म किए हैं उसके अकॉर्डिंगली हमको ये मिल गई। लेकिन हम उस 1 करोड़ या 10 लाख रुपए का क्या करेंगे वो हमारी स्वतंत्रता है। हम उसको अच्छे काम में लगाएंगे या किसी बुरे काम में लगाएंगे वो हमारे फ्री विल जिसको कहते हैं वो है। तो जो फ्री विल है वो ही हमारा फ्यूचर बनाएगी। तो हमको फ्री विल कैसे यूज करनी चाहिए, हमको पूर्ण ज्ञान में रहकर और कृष्णा को समर्पण करके ही अपनी फ्री विल को यूज करना चाहिए। हमेशा हम कोई भी काम करने से पहले हमको देखना चाहिए कि क्या कृष्ण इसमें खुश होंगे कि नहीं होंगे। तो मतलब जो फ्री विल है वो आगे की हमारी जो लाइफ है उसको निश्चित करती है, और जो पिछले जो हमारे कर्म है वो आज के जो हमारा भाग्य है उसको। तो धृतराष्ट्र भी यहाँ पर यही मतलब एक जस्टिफाई एक वो सिद्ध करना चाहते हैं कि ये सब जो है ये जो विधान का करा हुआ है और भाग्य की करनी है। तो राधानाथ स्वामी महाराज एक लेक्चर में उन्होंने अच्छा बताया कि मैन इज द क्रिएटर ऑफ हिज ओन डेस्टिनी, मतलब इंसान जो है वो अपने भाग्य का खुद बनाता है अपनी ही कर्मों के द्वारा। एंड फेट इज द रिएक्शन ऑफ अवर ओन पास्ट एंड प्रेजेंट एक्टिविटीज, जो किस्मत जो भाग्य है वो हमारे पूर्व कर्मों से ही बनता है। तो हम जो भद्र जीव हैं वो हम ऐसे अलग अलग तरीके से चेष्टा करते हैं कि जो भगवान ने जो नियम बनाए हैं उनको तोड़ के, लेकिन उनको जस्टिफाई करें, उनको सिद्ध करें कि नहीं ये ठीक है। लेकिन जो ईमानदार व्यक्ति होता है वो जो ब्लेम है अपनी कर्मियों का वो खुद लेता है, और जो भक्त होता है वो दूसरे लोगों का भी गलतियों का ब्लेम वो अपने पर लेने से चूकता नहीं है। तो ये इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो श्लोका नंबर 28 में। तो ये जो डेस्टिनी और फ्री विल की जो फिलॉसफी है ये बहुत ज्यादा फिलोसफर्स ने इसको डिस्कस किया है, और कोई ऐसा बोलता है कि जो हम पूरी जो जिंदगी है वो फ्री विल पे ही है, यू नो हम जो मर्जी करें और जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। और कुछ फिलोसफर्स कहते हैं कि जब सब कुछ जो लिखा हुआ है
वो पहले से ही लिखा हुआ है, सब विधि विधान का है और हमारे इसमें कुछ करना नहीं है। तो कर्ता जो है वो भगवान ही है और भगवान ही, तो हम तो एक हम्बल सोल की तरह, जो अगर हम गलत काम भी करते हैं तो हम उसका ब्लेम जो कहते हैं ये सब भगवान ऐसा चाहते थे इसलिए हुआ। लेकिन जो शास्त्रों के चक्षु से और भागवतम क्या बोलते हैं कि ये दोनों एक्सट्रीम्स नहीं है, और क्या है कि पार्टली जो है वो डेस्टिनी है और पार्टली जो है वो हमारा जो कर्म, जो हमारा फ्री विल है, और हमें जो भगवान ने स्वतंत्रता दी है उसी से ही हमारा आगे का भविष्य बनता है। और क्योंकि हमारी जो पिछली लाइफ में भी हमने बहुत सारे पाप किए या पुण्य किए, तो जो जब हम अपनी शरीर को, नए शरीर को धारण करते हैं, तो हमारे जो सूक्ष्म शरीर, जो जो सूक्ष्म बॉडी, जो जिसको माइंड इंटेलिजेंस और सटल बॉडी जिसको कहते हैं, वो मन बुद्धि और अहंकार, उसके द्वारा ये हमारी जो जो नए शरीर में प्रवेश होते हैं। तो हम देखते हैं कई बार जब छोटे बच्चे होते हैं तो 6 महीने या 1 साल का ये बच्चा होता है, उसकी जो बेसिक प्रवृत्ति होती है और जो बेसिक जो उसकी एटीट्यूड या उसकी, वो ऑलरेडी पता चलने लग जाते हैं। कोई बच्चा बहुत ज़्यादा गंभीर होता है या बहुत अच्छा बिहेव करने वाला होता है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा हठी शैतानी, तो वो डिफरेंट मोड्स में होते हैं ऑलरेडी, वो उनके पिछले कर्मों। कई बच्चे होते हैं जो ऑलरेडी गिफ्टेड होते हैं बहुत सारे टैलेंट्स के साथ, कोई किनका किसी का दिमाग नहीं लगता, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये पिछले जन्मों से ही उनको ऑलरेडी उनके जो सूक्ष्म शरीर से उनके पास आते हैं। और ये कोई कोई बहुत ज़्यादा चैरिटेबल काम करना चाहते हैं, रेड क्रॉस सोसाइटी ज्वाइन करके अफ्रीका में चले जाते हैं, कोई बहुत ही ज़्यादा पैशन में या इग्नोरेंस में रहते हैं कि यू नो टेररिस्ट बन जाते हैं या अपने आप को बम लगा के ब्लास्ट कर लेते हैं, तो ये सब प्रवृत्तियाँ ऑलरेडी। तो दुर्योधन का भी जब एक्चुअली जन्म हुआ था तो ऑलरेडी उनको बोल दिया था कि ये तुम्हारे कुल का नाश करेगा और इसको मार दो, लेकिन फिर भी धृतराष्ट्र ने ये वो नहीं सुना, क्योंकि उनके इतना हृदय नहीं था कि अपने कुल को बचाने के लिए अपने पुत्र को मार दे। और इसमें कि जो पिछले जन्मों की जो मटेरियल डिजायर्स है वो भी हमारे साथ हमारे पास आती हैं और वही हमको ये सब काम करने में विवश करती हैं कि हम ऐसे पाप कर्मों से उत्साहित हों और वो करें, क्योंकि वो मटेरियल डिजायर्स हमारे पास है। तो एक लेक्चर में एक प्रभु से बता रहे थे कि एक महाराज बता रहे थे कि हम इस भौतिक, वी कैन नॉट गेट आउट ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड फर्स्ट अनलेस वी रियलाइज कि वी आर इन मटेरियल वर्ल्ड एंड टिल द टाइम वी हैव मटेरियल डिजायर्स, कि हम इस भौतिक जो स्थिति से नहीं निकल सकते कि जब तक हम रियलाइज नहीं करें कि हम भौतिक इस जगत में फंसे हुए हैं और हमारे पास भौतिक बहुत सारी इच्छाएं हैं। और जो नॉर्मल जो लोग होते हैं वो तो ऑलरेडी रियलाइज करते हैं कि हमारी इच्छाएं हैं, लेकिन एक डिवोटी के लिए हमको एक्सेप्ट करना अभी थोड़ा गड़बड़ मुश्किल होता है कि मेरे बहुत ज़्यादा मटीरियल डिजायर्स हैं। तो वो मटीरियल डिजायर्स भी हमको कम करनी है, क्योंकि जब तक ये मटीरियल डिजायर्स, ये भौतिक इच्छाएं हैं, वो हम इस मतलब भक्ति में भी ज़्यादा प्रगति नहीं कर सकते। और हम लोग भी जो भक्त भी जो डिफरेंट डिफरेंट प्रवृत्तियों से के आते हैं, वो हमारे पिछले जो संस्कार हैं और जो पिछले जन्मों के जो हमारी जो सटल बॉडी से जो हमारे साथ आई है, तो एक सीनियर का, एक गुरु का भी एक जो क्या करते हैं कि अलग अलग शिष्यों को और अलग अलग भक्तों को देखते हैं कि इनकी कैसी प्रवृत्ति है और अकॉर्डिंगली उनको यूज करते हैं किसमें, कृष्णा भावना अमृत में, ताकि वो उनका भी उद्धार हो सके और उनको भी तो आज जैसे आजकल हम देखते हैं कि ज्यादातर लोग जो होते हैं वो और वो पैशन में या इग्नोरेंस में जो राजसिक या तामसिक गुणों से ज्यादा जैसे सात्विक गुणों में बहुत कम करना है। तो भक्ति के लिए भी हमको धीरे धीरे थोड़ा सा अपने सात्विक
गुणों की तरफ भी जाना है, अपने जो पैशन को कम, मतलब भक्ति में भी हम कई बार बहुत ज्यादा पैशन में हो सकते हैं, जैसे कि भागवतम क्लास अटेंड कर रहे हैं लेकिन ऑलरेडी ये सोच रहे हैं और कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हैं इस भागवतम क्लास में कि अभी हमने आगे क्या करना है, हमने यहाँ जाना है, मैंने वहां करना है, मेरे को ये क्लास करना है, तो वो भी एक तरीके का पैशन कर ले। तो हमको भी अपना एक पूरा स्केड्यूल बना के और प्रॉपरली जिस जो चीज उस टाइम कर रहे हैं उसी मतलब प्रेजेंट जो में ही रहना है। और तामसिक लोग क्या करते हैं, वो ये कहते हैं मैंने कल क्या क्या नहीं किया और ये भी कर सकता था वो भी कर सकता था। तो इवन भक्ति में भी हमको ज्यादा एग्रेसिव और ज्यादा पैशन में नहीं रहना, सात्विक मोड में रहकर ही भक्ति को भी करना है। और ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ही हम सात्विक, क्योंकि हमारा डिफरेंट टाइम्स ऑफ डिफरेंट मोड्स में रहते हैं, लेकिन जो जो सतोगुण है उसमें वो ज्यादा हावी होना चाहिए हमारे जो एटीट्यूड में और ज्यादा, तो ये शिक्षा मिलती है। और जो ये 29वें श्लोक जो है उसमें क्या बता रहे हैं कि 29 श्लोकों में जो धृतराष्ट्र जी हैं वो प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से। वो क्या प्रार्थना कर रहे हैं, वो प्रार्थना वेरी सिमिलर जैसे भागवतम जब शुरू होती है, जब जन्मादस्य नतो नयादितरत जो प्रार्थना करते हैं कि वो सृष्टि के बारे में बताते हैं कि भगवान आप सृष्टि के निर्माता हैं और आप हर चीज में हैं। तो वो इस श्लोका 29 श्लोका में धृतराष्ट्र भी भगवान की स्तुति कर रहे हैं और ये उनको मालूम है कि भगवान ही सारे बंधन को बनाने वाले हैं और वही बंधन से निकालने वाले हैं। और उनको मालूम है कि कृष्ण भगवान खुद ही मतलब उन्होंने भगवान का की जो जो मर्जी थी उसके अगेंस्ट गए, मतलब भगवान खुद चलकर आए और उन्होंने दुर्योधन से और धृतराष्ट्र से विनती करी कि ओके ये सारा राज्य जो पांडवों का है वो नहीं चाहिए, लेकिन उनको सिर्फ 5 गांव दे दो क्योंकि वो क्षत्रिय हैं और क्षत्रियों का जो धर्म होता है वो अपना राज्य करना और अपनी प्रजा को संभालना होता है, तो उनको सिर्फ 5 गांव दे दो। लेकिन फिर भी उन्होंने उनके सामने भगवान जो सर्वलोक महेश्वर है, मतलब सब लोगों के जो राजा जो मालिक हैं, उनको भी मना कर दिया कि मैं 5 गांव भी नहीं दे सकते। मतलब एक जो उन्होंने बोला कि एक जो सुई की नोक के जितना भी लैंड जो है वो नहीं देंगे। तो इतना लालच और इतना मोह था कि वो अब कंट्रोल नहीं कर पाया और भगवान को भी उन्होंने मना कर दिया। और तो यहाँ पे मतलब 2 तत्व हैं जो धृतराष्ट्र बता रहे हैं, एक कृष्ण जो उनके पुत्र और जो उनके अधर्मी पुत्र हैं वो कृष्ण उनका जल्द ही, उनको मालूम है कि कृष्ण उनका जल्द ही नाश कर देंगे और पृथ्वी का भार जो है वो उनको कम कर देंगे। लेकिन वो दूसरा ये है कि उनको जानते हुए भी वो कुछ नहीं कर सकते। एक्चुअली ये गलत है, वो उसी टाइम ये युद्ध को रोक सकते थे अगर वो चाहते, तो उसी टाइम वो कह सकते थे कि क्योंकि वो तो सम्राट थे, अगर वो बोलते कि हमें ये जो पांडवों को उनका जो राज्य है वो वापस कर दो और ये युद्ध नहीं करना, तो बाकी सब उनको भीष्म पितामह द्रोणाचार्य सब उनको सपोर्ट करके ये युद्ध रोक सकते थे और वो सारे एक जगह बैठ के संधि कर सकते थे। लेकिन उनमें इतना अपने बेटे के प्रति इतना मोह था कि वो उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बोल देते, तो ये नहीं कि वो बोल नहीं सकते थे ऐसे, लेकिन वो नहीं करना चाहते थे क्योंकि इतनी ज्यादा वो आसक्ति थी अपने पुत्रों के। तो ये 29th श्लोका में ऐसे विनती कर रहे हैं और एंड में क्या विनती कर रहे हैं कि मैं जानता हूं कि हमारा सबका नाश होने वाला है और मैं इतना ज्यादा ये फंस गया हूँ इस चक्रव्यूह में कि मुझे मालूम है कि
हमने पांडवों को मारने की कोशिश करी और द्रौपदी के साथ ऐसा किया और मैं भी इसका भागी हूँ इस इन अपराधों का, तो अभी मैं आप ये सब आप पे ही छोड़ता हूँ, आपकी शरण में आता हूँ और मतलब मैं कुछ नहीं कर सकता और जो अभी आपने जैसा करना है वो आप, तो बेसिकली ही गेव अप, ही सरेंडर्ड कम्प्लीटली टू कृष्णा कि आप सब आप ही संभालें अब। लेकिन अंत में क्या होना है कि भगवान ने भी मतलब भगवान अपने भक्तों को बचाता है, लेकिन क्योंकि उसकी करनी ऐसी थी कि भगवान ने भी अंत में क्या हुआ कि उनको खुद अपनी आंखों से, क्योंकि संजय के पास जो चक्षु थे वो पूरा बता रहे थे मतलब ग्राफिक डिस्क्रिप्शन के साथ उनको कि क्या क्या चल रहा है, तो उनको इतना कष्ट सहना पड़ा कि अपने एक एक जो उनके 100 पुत्र थे, एक एक पुत्र के जो मृत्यु और का विवरण जो था पूरा उनको अपनी आंखों अपने कानों से देखना पड़ा। मतलब ये एक बाप के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा दुखदायी है कि अपने पुत्रों की जिसको जिसके लिए उसने सब कुछ करा, एक्चुअली तो वो अपने पुत्रों के लिए कि यही सब कुछ कर रहा था, लेकिन ये सब करने के बाद भी उसको खुद देखना पड़ा कि उनके पुत्रों की कैसी मृत्यु हुई। तो ये 29वें श्लोक में हम देखते हैं और 30वें और 31वें श्लोकों में जी भगवान मतलब ये क्या कहते हैं अक्रूर जी कहते हैं कि इसका तो कुछ नहीं हो सकता और ये तो बात मानने वाले नहीं है और अभी मैं वापस जाता हूँ, तो उन्होंने सबसे अनुमति लेकर वो वापस जाते हैं और कृष्णा और बलराम को हस्तिनापुर का हाल बताते हैं और ऐसे ही अध्याय समाप्त होता है और इसके बाद आई थिंक अगला अध्याय में हम देखेंगे कि अभी द्वारका का निर्माण कैसे होता है, जब कल से जो शुरू होगा और द्वारका की लीला का आरंभ होगा। मैं जरा एक मिनट देख लूं कोई और पॉइंट तो नहीं मेरे नोट्स में। तो एज अ समरी इसमें तीन चार हमने जो आज पॉइंट्स देखे वो है कि बहुत ज्यादा हमें अपनी फैमिली से और अपनी प्रॉपर्टी से या धन से या जो प्रभुपाद कहते हैं स्किन डिसीज से, उससे ज्यादा बहुत ज्यादा हमको आसक्ति नहीं बनानी है, और अगर बनानी भी है तो उसको कृष्णा को सेटिस्फाई करने में यूज करना है। और जो भौतिक जो व्यक्ति हैं और जो जिन लोगों को बहुत ज्यादा अटैचमेंट है भौतिक वस्तुओं से ऐश्वर्य से, उनके साथ थोड़ा अटैचमेंट कम करना ही हमारे हित में है। और डेस्टिनी और फ्री विल के बारे में देखा कि डेस्टिनी है लेकिन मोर इम्पॉर्टेंट जो है अभी हम क्या कर सकते हैं, अपनी फ्री विल को यूटिलाइज कर सकते हैं और हम लोग अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, हम भगवान को दोष नहीं दे सकते या डेस्टिनी को, और अंत में हमको भगवान पे ही सब कुछ सरेंडर करना है, तो ये बहुत जरूरी है। तो इसके साथ ही आज माफी चाहता हूँ कि मैंने थोड़ा टाइम ज्यादा ले लिया, लेकिन बहुत ही ज्यादा इसमें इंस्ट्रक्टिव जो मैसेजेस हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों को ये ऑलरेडी सब कुछ मालूम है और मेरी स्थिति जो है वो ऐसी नहीं है कि मैं आप सबको प्रीच कर सकूं, लेकिन मैंने वो सब भी बोला है जो कि जो मैंने सुना है और जो आप लोगों ने ही मेरे को बताया है। तो जैसे उद्धव जी की परिस्थिति थी जब वो गोपियों को प्रीच कर रहे थे या वहां पे जाके, तो उनकी जो इनको प्रीच कर रहे थे उनकी स्थिति ऑलरेडी उनसे ज्यादा थी, लेकिन फिर भी वो क्योंकि भगवान का मैसेज दे रहे थे, तो मैं भी उसी तरीके से आपको जो जो मैंने सुना है और जो शास्त्रों में लिखा है उसका वो रिपीट एज अ पैरेट थी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, साधु साधु, इस ग्रेस नक्षत्र नेमी प्रभु की जय। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद आपने
समय में इतना सुंदर तरीके से जो फ्री विल हमको कैसे इस्तेमाल करना है, भगवान का जो भक्ति में गुरु और साधु के आश्रय लेते हुए अच्छी तरह आपने वो कथा हमको आस्वादन करवाया, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपकी इच्छा है तो हम दो तीन प्रश्न लें। We will try. मतलब इतना मेरा तो नॉलेज नहीं है, लेकिन बाकी भक्तगण हैं तो तुलसी प्रभु हमेशा रेस्क्यू के लिए आते हैं। तो हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच प्रभु। तो मैं अभी भक्तों से निवेदन करता हूँ, कोई भक्त को कुछ प्रश्न है, कुछ टिप्पणी है तो कृपया आप माइक खोल के पूछ सकते हैं प्रभु जी से। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, मेरा एक छोटा सा जिज्ञासा है। आपने आपके जो प्रवचन में अच्छी तरह बताया, जैसे लास्ट धृतराष्ट्र भी भगवान पर समर्पित थे, तम पर महाभारत या भगवत गीता में देख सकते हैं जैसे अर्जुन भी समर्पित थे पर अर्जुन जीत गए, पर हम देख सकते हैं धृतराष्ट्र को खाल ऐसा हो गया, तो हम कैसे उसको समझ सकते हैं? भगवान भी बोलते हैं समोहम सर्वभूतेषु, तो हम उसको कैसे समझ सकते हैं प्रभु? तो यही तो है कि जो धृतराष्ट्र थे वो भी समर्पित थे। मैं धृतराष्ट्र एक साधारण व्यक्ति नहीं थे, यू नो, वो भी व्यास देव जी के पुत्र थे और उनको अच्छी जो एजुकेशन मिली और सब कुछ था उनके पास, लेकिन उनको क्या था कि जो पुत्र मोह के कारण वो भगवान की विल के अगेंस्ट गए, और जो उनकी जो अटैचमेंट थी और जो उनकी हम क्या कहते हैं जो संगत थी, वो शकुनी और दुर्योधन और अपने पुत्र के जो उनकी बातें ज्यादा सुनते थे, तो वो मोह के कारण वो उनका बिल्कुल नाश हो गया। लेकिन अब आप जैसे देखें कि जो जो भीम या अर्जुन, उनको भी कई बार लगता था कि वो भी क्रोध में आकर उसी टाइम जाकर अटैक करें और दुर्योधन को मार दें, काफी कुछ उनके साथ बुरा हुआ, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो धर्म के और भगवान की इच्छा के विपरीत, तो उन्होंने सही समय का की वेट करी, राइट? जैसे तो यही कृष्ण भावना अमृत है कि हमको आवेश में आकर ऐसा कुछ नहीं करना कि जो कि भगवान क्या सोचेंगे इसके बारे में, भगवान क्या चाहेंगे। तो जैसे रामायण में भी ऐसे आता है कि जब वो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन वो जब इस शत्रुघ्न को पता चलता है कि ये सब मंथरा और केकई का करा हुआ है, तो वो उनको मारना चाहता है, लेकिन उनको रोक दिया जाता है कि राम जी को ये प्रसन्न नहीं आएगा कि कैसे तुम एक स्त्री पे हाथ उठा रहे हो। तो हमें भी हमेशा ऐसे ही देखते हैं कि जो हम कार्य करने चाह रहे हैं वो भगवान को प्रसन्न, भगवान उससे प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे। तो जो अर्जुन ने जो भी जो कुछ किया वो सिर्फ वो भगवान से ही पूछ के करा, तो वो जो भगवान ने जैसे उनको बोला, कई बार उन्होंने भी नियम तोड़े, जैसे कि जब वो युद्ध हो रहा था कि भीम और इसमें दुर्योधन में, तो वो अपनी पेट के नीचे उन्होंने मारा, तो ये भी एक नीति के अगेंस्ट है, लेकिन क्योंकि भगवान ने उनको बोला कि ऐसा ही करना ठीक है क्योंकि दिस इज द ओनली वे यू कैन किल भीम सॉरी दुर्योधन, तो क्योंकि अर्जुन ने भगवान के जो जैसे वो बोला उनके अकॉर्डिंगली करा, तो उनकी विजय हुई। और भागवत गीता में भी है कि जहाँ पे भगवान है और जहाँ पे अर्जुन है वहां पे जो विजय है वो निश्चित है। हरे कृष्ण, डोंट हैव टू गो अगेंस्ट द विल ऑफ द लॉर्ड। हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच प्रभु, बहुत बहुत सुंदर आपने बताया। हरे कृष्ण प्रभु, चैट बॉक्स में एक प्रश्न आया है, चंचल माता जी पूछ रहे हैं, हु गेव भीष्म द बून दैट ही वुड डाई ओनली व्हेन ही विश। हरे कृष्ण। हु गेव भीष्म पितामह द बून, अभी आई डोंट रिमेम्बर दिस, मे बी समबडी एल्स, शांतनु
करेक्ट प्रभु, उनके पिताजी आपके आज्ञा है तो, या सही आपने से करेक्ट बोला, उनके पिताजी ने। यस प्रभु। ओके, somebody has replied यहाँ पे properly, so we can see. Yes, His Grace सुभाष प्रभु ने डाला है चैट बॉक्स। थैंक यू His Grace सुभाष प्रभु। तो कोई भक्त का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, लास्ट कॉल। हरे कृष्णा प्रभु, चैट बॉक्स में बहुत सारे प्रशंसाएं हैं, आप पढ़ सकते हैं, आपका क्लास बहुत सुंदर है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे कमेंट्स हैं। हरे कृष्णा। जय प्रभुपाद। थैंक यू सो मच। तो कोई भक्त का कुछ प्रश्न नहीं है तो हम अगला कार्यक्रम की ओर बढ़ते हैं। His Grace परमानंद कृष्ण प्रभु को मैं आमंत्रित करता हूं, दामोदर देश यात्रा की तरफ से कुछ घोषणा है तो आप कृपया आके आगे प्रस्तुत करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम नक्षत्र नमी प्रभु जी की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा नक्षत्र नेमी प्रभु जी, बहुत ही विस्तार पूर्वक आपने हमें आज क्लास के डिटेल्स पे बहुत सारी चीजें बताई, और एक तो बेस्ट पॉइंट लगी कि वो आसक्ति अटैचमेंट विच यू स्पोक अबाउट, जिसके बारे में आपने बताया बहुत अच्छा प्रभु जी। आसक्ति बहुत ही हमें मोह में बांधती है, दैट्स व्हाट यू सेड। सो मेरा एक प्रश्न था, अगर आपके पास टाइम है तो मैं पूछूं। या प्रभु पूछ सकते हैं। सबसे सरल तरीका क्या है प्रभु ये आसक्ति को छोड़ने का? सिंपल, दो लाइन में या एक लाइन में बताइए, सरल, सबसे सरल तरीका क्या है ये आसक्ति को छोड़ने का? प्रभु आसक्ति तो होगी, लेकिन उस आसक्ति को हमको कृष्णा को सर्व करने के लिए लगाना है, ये नहीं देखना कि ये इसमें मेरे लिए क्या है। तो आसक्ति तो रहेगी, और अल्टीमेटली ये देखना है कि मेरे जैसे बच्चों को और ये फैमिली को, तो ये सब मेरे को, ये मेरा है, लेकिन मेरे को इन सबको यूज करना है कृष्णा को सर्व करने के लिए, ये चेतना जरूरी है। और जो हमारी कृष्णा भावना अमृत है, तो जैसे बोला कि थोड़ा गंभीर, हम ये सब सुनते हैं लेकिन हम ये गंभीर नहीं रहते इन चीजों के लिए, यू नो, बहुत ज्यादा कैजुअली लेते हैं और ये कहते हैं ये सब तो डिटेल्स हैं, तो ये तो थोड़ी गंभीरता लानी बहुत जरूरी है। और एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, ये सब कि अगर हम ज्यादा जो लोग जो इन चीजों से आसक्त हैं उनकी संगत में हम ज्यादा रहेंगे तो हमारी भी आसक्ति बढ़ेगी। हम क्योंकि ये हम तो रह ही रहे हैं जो दुबई में, कि वहां पे ज्यादातर सब है वो सब इन चीजों से आसक्त हैं, तो आसक्त तो रहना है, लेकिन वो भगवद गीता का श्लोक जो 7th chapter में मैया सक्त मना पड़ता, तो भगवान कहते हैं किस पे आसक्ति बनाओ, मेरे पे आसक्ति बनाओ। तो आसक्ति बनानी है, लेकिन सही चीज पे आसक्ति बनानी है, और जो हमको अपने कर्मों के से मिला है उसको भी हमको भगवान की ही सेवा में लगाना है, ये देखना है कि ये उसी की प्रॉपर्टी है, मेरी नहीं है। थैंक यू प्रभु। प्रभु ये दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग, आई नो आपको सब कुछ मालूम है और आप ही हमारे शिक्षा गुरु हैं, तो वी हैव टू लर्न फ्रॉम यू। हमारा इस टॉपिक पे हम लोगों ने एक बार शिवा टेम्पल पे जब हम क्लास दे रहे थे तो यही टॉपिक निकला था कि भाई रसा सिंधु कृष्ण बलराम प्रभु जी आप हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी दलवत प्रणाम। हाँ, हमारा वो क्या प्रश्न था और क्या उत्तर था कि भाई वो क्यों चला गया धृतराष्ट्र के कहने पर, आसक्ति एक दिन में कैसे कट गई, जब धृतराष्ट्र को विदुर जी ने प्रचार किया और रातों रात कैसे निकल गए, अभी इतना आसक्त थे। ये इसलिए चली गई कि उन्होंने पहले तो वो द्रोधन के पर आश्रित थे, द्रोधन का जो है वो अन्न पानी खा रहे थे, तब उनके कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जब उन्होंने फिर बाद में युधिष्ठिर, एक जो शुद्ध भक्त है भगवान के,
उनके घर में दाना पानी खाना शुरू किया और उनका असर उनके घर पे रहने का और उनके प्रभाव का उनके खान पीन का रहने का शरीर का उनका असर ज्यादा हुआ वैष्णव के घर पे रहने के कारण। फिर उनके समय में आ गई वो विदुर की बात समय में आई, नहीं तो पहले भी विदुर ने कह चुके थे भी तुम आसक्ति छोड़ दो, नहीं छोड़ी उन्होंने। क्यों कि वो उनका खान पीन उस टाइप का था, उस वो धृतराष्ट्र युधिष्ठिर के हिसाब से चल रहे थे। तो यहाँ तक मुझे लगता है आपने हमने इसी बात पे डिस्कस किया था शायद, लगता है मुझे याद आ रहा है। यस प्रभु जी, यस, थैंक यू सो मच, आपकी मेमोरी बहुत शार्प है, वेरी नाइस। तो नक्षत्र नेवी प्रभु जी, थैंक यू सो मच। ये उन्होंने एक झटके में एक रात में ही जस्ट वॉक्ड आउट फ्रॉम दैट सेम प्लेस, इसलिए मूव हो गए क्योंकि एक मेन कारण था कि उनका जो डाइट वो पहले खुद के अन्न खा रहे थे, फिर अपने बेटे के अन्न खाने लगे, लेकिन जब उन्होंने पांच पांडवों की शरणागति ली, जब वे राजा बन गए और उनका जो अन्न खाया, उनका प्रसाद जो खाया, तो उसका हृदय परिवर्तन हो गया एंड जस्ट मूव्ड आउट। दिस इज द पावर, ये कृष्ण भक्त के ये सबसे बड़ा पावर है वो कृष्ण प्रसाद। अगर प्रसाद खाता है कोई तो कोई भी आसक्ति छोड़ सकता है। तो ये हमें उस पक्षी की तरह है जैसे हमें ये ज्ञान और वैराग्य, जिसे उसे ज्ञान दिया विदुर जी ने और वैराग्य इसलिए हो गया क्योंकि उसे आसक्ति छूट गई तो उसे वैराग्य हो गया वो प्रसाद के कारण। तो हमें कृष्ण का ज्ञान और कृष्ण प्रसाद, ये जिस दिन हमें दो चीज मिल जाएगी, हमें उस पक्षी की तरह दो पर मिल जाएंगे जिससे हम उड़ सकते हैं। वेरी नाइस, हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच, थैंक यू नक्षत्र प्रभु जी, आपने बहुत अच्छा क्लास दिया और आपके सुपुत्र माधव जी बहुत बढ़िया कीर्तन करते हैं बहुत बढ़िया, इट वॉज रियली नाइस, थैंक यू माधव प्रभु, थैंक यू प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु, थैंक यू, थैंक यू प्रभु, परमानंद प्रभु, थैंक यू प्रभु, आपने याद भी किया और आपने याद दिला दिया मेरे को ये, हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू प्रभु, हरे कृष्णा, थैंक यू। कैसे हैं प्रभु आप, ठीक है? माता जी तबीयत ठीक है? माता जी की तबीयत आज पता चलेगा, आज डॉक्टर को दिखाएंगे। अब डॉक्टर एक महीने का बोले आज पट्टा खुल जाना चाहिए, हड्डी जुड़ गई तो आज पट्टा खोल देंगे, तो देखते हैं बेटर। आप प्रे कीजिए प्रभु जी के लिए, जरूर आगे आगे नहीं हो मतलब। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, थैंक यू प्रभु, हरे कृष्णा। रत्नभूषण प्रभु जी, कुछ अनाउंसमेंट है? या हरे कृष्णा प्रभु, अभी हम प्रयास की ओर जाते हैं, बहुत सारे प्रयास हैं हमारे जो सन्यास वृंद, उसमें हिज होलीनेस जयप्रताप स्वामी महाराज, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज, हिज होलीनेस इंद्रदुम्न स्वामी महाराज, उनके लिए स्पेशल प्रयास चाहिए। और साथ साथ में एक सीनियर डिवोटी हैं किस ग्रेस दयाराम प्रभु, उनके लिए भी प्रयास। और चैट बॉक्स में सुवर्ण गोपी माता जी बता रहे हैं सर्वजय प्रभु, सुविजय कृष्ण प्रभु, वो आज शाम को इंडिया जा रहे हैं मायापुर धाम में, तो उनके लिए प्रयास पूछ रहे हैं। और निशा माता जी बता रहे हैं हरे कृष्णा धन्वत प्रणाम, प्रयास नीड फॉर माई जैतानी उषा मूलचंदानी, शी इज इन हॉस्पिटल, उनके लिए प्रयास चाहिए। और अशोक मुलचंदानी प्रभु बता रहे हैं हरे कृष्णा धन्वत प्रणाम, प्लीज प्रे फॉर माई भाभी उषा मूलचंदानी, सेम शी इज ऑल्सो इन शी इज हॉस्पिटल। और लास्ट डॉक्टर लविता पटेल पूछ रहे हैं प्लीज प्रे फॉर हिज ग्रेस रेवती देवी, हर ग्रेस रेवती देवी दासी माता जी, डायरेक्ट डिसाइपल ऑफ श्रील प्रभुपाद, हेड ऑफ बर्दोली इस्कॉन टेम्पल। और दिव्या गोलेकेश्वरी माता जी पूछ रहे हैं बता रहे हैं प्रेयर्स नीड फॉर माय पेरेंट्स प्रभु जी। तो सभी भक्तों के लिए हम तीन बार हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, पंच तत्व की आश्रय लेते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। इस परमानंद